अरे साहब क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, टायर ही निकल गया है भाई। मेरा तो वाटरप्रूफिंग भी नहीं है, कोई होटल मिल जाए यार जल्दी से। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल कोहली और आप देख रहे हैं आई एम कोहली यूट्यूब चैनल। सो टाइम हो रहा है सुबह के 5:46 हो रहे हैं और आज है 20 मई 2022 और मैं निकल चुका हूँ एक और सोलो एडवेंचर पे। यस गाइस, जो स्पीति वाली सीरीज थी, अनफॉर्चुनेटली जो वीडियोस थी मेरी वो वीडियोस करप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से आगे के जो एपिसोड्स है वो आप नहीं देख पाए। और अब मैं जा रहा हूँ उस एक जगह पे जहाँ का सीज़न अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और जिसे मैं स्पीति का बड़ा भाई कहता हूँ। एग्जैक्टली, यू गेस्ड इट राइट गाइस, मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स लद्दाख। यस, और इस बार जो है हम करने वाले हैं दिल्ली से लद्दाख, वो भी सोलो। और सोलो करेंगे अपनी रॉयल एनफील्ड पे। इस वाली सीरीज के अंदर ना गाइस, जो हम लद्दाख करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो पिछली बार की तरह नहीं होगा। पिछली बार काफ़ी सारी जगहें थी जो अनफॉर्चुनेटली नीरज भाई और मैं नहीं कर पाए थे, उन सब चीज़ों को दिखाना है। आज का जो आइटनरी होने वाली है, आज हम करने वाले हैं दिल्ली से उधमपुर, जिसका डिस्टेंस GPS के हिसाब से दिखा रहा है करीब 602 किलोमीटर। और टाइम कवर होगा अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे हमें लगेंगे दिल्ली से उधमपुर जाने में। हम दिल्ली से सबसे पहले पहुंचेंगे करनाल, करनाल के बाद अम्बाला, अम्बाला के बाद लुधियाना, लुधियाना के बाद पठानकोट, देन जम्मू, और लास्ट में जो आज की अल्टीमेट डेस्टिनेशन होने वाली है वो होगी हमारी उधमपुर। सो गाइस, चलो चलते हैं अपनी ये वाली रोड ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारी ये जो सोलो दिल्ली से लद्दाख की जो रोड ट्रिप है इसे सक्सेसफुल करना और हमारी हर पल हर समय पे मदद करना। सो अभी मैं बढ़ रहा हूँ दिल्ली से टुवर्ड्स करनाल, जिसका डिस्टेंस है 117 किलोमीटर। सो चलो चलते हैं करनाल। चलो जी, दिन का पहला जो स्टॉप है जो है पेट्रोल पंप का, तो डलवाते हैं अपनी रॉयल एनफील्ड के अंडर पेट्रोल और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। फुल कर देना भैया, फर्स्ट टैंक की फुल हुई है 1237 रुपये 51 पैसे, 11.74 लीटर आया पेट्रोल। सुबह सुबह निकलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना, वो यही फ़ायदा होता है कि मौसम ठंडा ठंडा होता है और इतनी गर्मी के अंदर अगर आप सुबह सुबह किसी राइड पे निकल जाओ ना, तो मैक्सिमम जो आपकी डेस्टिनेशन होती है ना उसको आप कवर कर सकते हो ठंडे ठंडे मौसम के अंदर, क्योंकि इतने सारे राइडिंग गियर्स, ये देखो मैंने कैसे इसमें छेद किया हुआ है ताकि मैं ऑपरेट कर सकूँ अपने फ़ोन को, कैमरे को, और इसमें किया हुआ है, यहाँ वाली फिंगर में होल किया हुआ है, यहाँ वाली फिंगर में होल किया है। स्पीति वाली राइड से मुझे एक सीख सीखने को मिली है कि जब भी आप राइड करते हैं ना बिना ग्लव्स के, तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और स्पेशली ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं ना कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से यहाँ से, तो यहाँ पेन होता है। सो अपनी दिल्ली टू लद्दाख सोलो रोड ट्रिप का पहला टोल पड़ गया है। सो बाइक के लिए तो मस्त एकदम साइड वाली लाइन बना रखी होती है, अपन तो इसी लाइन में सीधा सीधा चुपचाप से निकल लेते हैं। ये गाइस बहुत ही ना मैंने इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस करी है, ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं ना, यहाँ पे बीच बीच में ना रोड जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर श्रीनगर का डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। ये देखिए जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्रीनगर 749 और NH44 है ये। सो मैंने आज से पहले कभी नोटिस नहीं किया है कि इस वाले रोड पे श्रीनगर का भी डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 6:50 हो गए हैं, अभी से ही ना धूप लगने लगी है और गर्मी लगने लगी है। सो आई कैन इमेजिन कि इस वाली रोड ट्रिप के अंदर जब तक मैं पहाड़ों में नहीं पहुंचता ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। अभी सुबह के 7 बजे ही ना धूप चुभने लगी है। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं करनाल, ये जो आप सामने वाला टोल देख रहे हैं ये है करनाल का टोल। सो अब हम करनाल को बाय बाय करते हुए चलते हैं टुवर्ड्स अम्बाला। सो बेसिकली दिल्ली से हम जब सुबह चले थे, सुबह 5:30 बजे के आसपास चले थे, अभी टाइम हो रहा है
7:23 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट लगा लो 2 घंटे के अंदर हमने दिल्ली से करनाल लगा दी है। अब हम बढ़ रहे हैं टुवार्ड्स अम्बाला। सो अम्बाला का जो डिस्टेंस है करनाल से है वो है 81 किलोमीटर। तो चलो अब मिलते हैं आपको अम्बाला में। वो चाय पीने की बहुत एक जो तीव्र इच्छा होती है ना वो हो रही है चाय पीने की। तो अभी कोई एक रोड साइड छोटा सा ढाबा देखते हैं। क्या लगती है यार, क्या लगती है आईसुजु। किसी दिन कभी हुआ तो ज़रूर हम भी ओन करेंगे एक आईसुजु। अमेजिंग मशीन यार, बहुत ज़बरदस्त लगती है। सो अम्बाला में हम पहुंच गए हैं। ये जो साइन है ये अम्बाला की निशानी है, ये जो धनुष बना हुआ है। फाइनली हम अम्बाला पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 9:00 और अब हम बढ़ रहे हैं टुवार्ड्स लुधियाना। सो अम्बाला से जो लुधियाना का डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 108 किलोमीटर। अगर आपको याद होगा तो हमने अम्बाला से लेफ्ट लिया था टुवार्ड्स चंडीगढ़ जब हम स्पीति गए थे। तो स्पीति के लिए, शिमला के लिए आपको यहाँ लेफ्ट लेना पड़ता है अम्बाला से। और अगर आपको जाना है टुवार्ड्स उधमपुर तो आपको जाना पड़ता है सीधा। जैसे ही पंजाब में आप एंटर होते हो ना, दो होर्डिंग्स हैं जो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। एक IELTS का जो है होर्डिंग हमेशा यहाँ देखने के लिए मिलेगा और दूसरा कैनेडा। तो दो चीज़ें अगर आप होर्डिंग देखने लग जाए ना तो समझ जाओ आप पंजाब में हो। देख रहे हो मनी हाइस के कलर पंजाब में। नाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और राइडिंग जैकेट के अंदर तो हालत ख़राब हो रही है। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30 हैं। लुधियाना यहाँ से है करीब 40 किलोमीटर दूर। खन्ना कोई जगह पड़ती है, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मतलब सुबह 10:30 इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मेरे को अब डर लग रहा है कि जब दोपहर के टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा होऊंगा आज तो कितनी गर्मी होगी 2-3 बजे। चलो कोई बात नहीं, आज आज की गर्मी है, कल से तो ठंड में पहुंच जाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। और विंड नॉइज़ इस वाली वीडियो में ना गाइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी। उसका कारण ये है कि प्लेन रोड से 80-90-100 की स्पीड में भगा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है ना, उसके लिए एडवांस में सॉरी। एंड चलो मिलते हैं अब लुधियाना पे। सो गाइस अब हम लुधियाना पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड पे सारा लुधियाना है। तो अब हम बढ़ रहे हैं लुधियाना से टुवार्ड्स पठानकोट, जिसका डिस्टेंस है 172 किलोमीटर। मैं बता रहा हूँ गाइस कि अब जो लुधियाना से जो पठानकोट का जो सफ़र होने वाला है ना वो एक्सट्रीम हॉट वेदर के अंदर होगा। क्योंकि इस टाइम पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे पीक गर्मी होती है। 45 डिग्री 46 डिग्री जो टेम्परेचर होता है ना वो इसी टाइम पे होता है। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं तो झुलस रहा हूँ गर्मी के अंदर। उसके साथ साथ अभी मेरी बुलेट जो है वो बंद हो गई थी। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो बैटरी, ये देखो चार्जिंग ले रही है, यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये देखिए ये बेसिकली यहाँ होता है पर ये प्लस में दिखा रहा है ना, ये चार्जिंग ले रही है। अभी बहुत देर से स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी तो जैसे ही रेस दे रहा था तो बंद हो जा रही थी। और आईफोन की बात करें तो बेचारा आईफोन भी इतना ज़्यादा हीट हो गया है कि वो भी चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं देखता हूँ कहीं पे कोई एक ढाबा सा, वहाँ पे आराम से आधा पौना घंटा या 1 घंटा स्पेंड करता हूँ ताकि बाइक को भी आराम मिले, फ़ोन को भी आराम मिले और मुझे भी आराम मिले। 400 किलोमीटर के आसपास तो चल गई है तो पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। अब पेटीएम कर देता हूँ। आया जी 108157। चलो जी एक जगह मिली है जहाँ पे कुछ एक पानी बह रहा है, यहाँ पे थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं। हाय हाय हालत ख़राब हो रही है भाई गर्मी से। यहाँ से अपने को राइट लेना है टुवार्ड्स पठानकोट। छाया में खड़े हो जाते हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है भाई। सो जलंधर से थोड़ा सा आगे आने के बाद ना एक फ्लाईओवर पड़ता है,
वहाँ पे हालांकि लिखा होता है होर्डिंग लगी होगी, फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है, लेफ्ट में लिखा होगा पठानकोट के लिए, लेफ्ट लेके फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना होता है। मैं वहीं फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ, अब यहाँ से अपना राइट लेके जाना है टूवर्ड्स पठानकोट। लॉन्ग ड्राइव पे थक जाते हैं ना लॉन्ग राइड करते करते, तो इस तरीके से राइड करनी पड़ती है, दोनों पैर ऊपर और आराम से मस्त चलते थे। सो गाइस फाइनली हम पठानकोट पहुंच चुके हैं, ये पठानकोट है। अब पठानकोट से हमको जाना है टुवर्ड जम्मू, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर के आसपास है। सो चलो चलते हैं जम्मू, एंड जम्मू के बाद जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल डेस्टिनेशन होगा आज की डेट का, दैट इज़ उधमपुर। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से उधमपुर पहुँच जाऊँ, क्योंकि आज का जो दिन है ना बहुत थकाने वाला, बहुत ज़्यादा लंबी राइड और बहुत ज़्यादा थकाने वाली हो चुकी है। चलो जी गाइस, इतनी गर्मी, एक और ब्रेक लेते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं और फिर आगे चलेंगे। थोड़ा छाया में लगा दूँ यार। तो सामने देखिए गाइस, पहाड़ों के दर्शन, वाओ। अब जो यहाँ पे इन पहाड़ों को मैंने पकड़ा है ना, तो इनको मैं 3 जून को ही छोड़ूंगा, क्योंकि 3 जून को मेरी वापसी होगी लद्दाख से। कितने ही अल्टीमेट सीन है जो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा, इधर से है रास्ता बंद गया है। सो यही है जी लखनपुर बॉर्डर, अब यहाँ से लग जाएगा आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर। यस, यहाँ से लग गया है जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ पुलिस। सो गाइज वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, ये है कठुआ पुलिस और हमने एंट्री कर ली है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, और लखनपुर से हमने एंट्री करी है। सो अब यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ से अब आगे ना प्रीपेड सिम नहीं चलेगी। सो मेरे पास जो एयरटेल की प्रीपेड सिम है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगी। जितनी भी पोस्ट पेड सिम होती है ना, सिर्फ वही चलती है। तो मेरे पास तो पोस्ट पेड सिम है नहीं, अब हमको यहीं से लोकल कोई एक जम्मू एंड कश्मीर की सिम लेनी पड़ेगी जो कि वर्किंग होगी। अभी तो सिग्नल आ रहे हैं, देखो अभी थोड़ी आगे से यहाँ से सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल चले गए हैं, देख रहे हो। जैसे ही लखनपुर बॉर्डर का ये जो चेक पोस्ट क्रॉस किया है, उसके बाद सिग्नल हो गए हैं पोस्ट पेड सिम के 0। तो यहाँ पे अब हमारी सिम नहीं चलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। तो अच्छा हुआ मैंने अभी लखनपुर बॉर्डर से पहले ही अपने घर पे फ़ोन करके ये अपडेट दे दिया था। सो अगर आप भी आ रहे हैं जम्मू वाली साइड से, तो ये अपडेट याद रखना कि लखनपुर बॉर्डर के बाद प्रीपेड सिम नहीं चलती है। लो जी, लो एक्सीडेंट ही हो गया यहाँ पे। भाई साहब क्या तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। टायर ही निकल गया है भाई, ये कैसे एक्सीडेंट कर दिया, ट्रक वाले को जाके ठोका है। चलो जी, आई होप के जो नुकसान हुआ वो गाड़ी में ही हुआ। और मौसम देखिए, जब से हमने जम्मू एंड कश्मीर में एंटर किया है ना, उसके बाद से मौसम ऐसा ही है, क्लाउडी है। बस भगवान आज बारिश मत कराना। मैंने ये रेन कवर और ये लिया तो था, पर मैं घर में भूल गया। मैं अपने क्या क्या सामान भूला हूँ मैं बताता हूँ। मैं पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं अपने राइडिंग ग्लव्स भूल गया। ये तो नकली वाले हैं, ये देखो ये फट भी गया अभी, ये तो मैंने फाड़ा हुआ है ताकि यहाँ से मैं अपने टच चला सकूँ, और ये भी फाड़ा हुआ है। रेन कवर भूल गया, और एक और मेरी सेल्फी स्टिक होती है लंबी वाली, मैं वो भूल गया। तो 4-5 सामान मैं भूल चुका हूँ घर में। तो ये वाली ट्रिप की जो शुरुआत हुई है ना, वो भूलने के साथ हुई है। आई होप आगे सब कुछ ठीक चले। तो रेन कवर और ये सब चीज़ें जो है, ये तो मैं रास्ते से भी ले लूँगा। यार जम्मू कश्मीर में जब से लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किया है ना, 20 किलोमीटर आगे आया हूँ और चार चेक पोस्ट मिल गए हैं मेरे को। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर मैंने ऑलरेडी अभी तक चला ली है। यार कब आएगा यार उधमपुर, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। 12 घंटे तो हो ही गए मुझे अभी बाइक चलाते चलाते। अरे कितना दूर है उधमपुर यार, आ जा मेरे भाई, आ जा मेरे भाई। चलो
मिलते हैं आगे जम्मू में, जम्मू के बाद फिर उधमपुर। अनफॉर्चुनेटली जो राइडिंग जैकेट है ना मेरे को, वो उतारनी पड़ गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब 10 किलोमीटर भी नहीं चला जा रहा और अभी भी यहाँ से जो जम्मू का डिस्टेंस है वो 15-20 किलोमीटर है और वहाँ से 40-50 किलोमीटर के आसपास है शायद उधमपुर। सो अभी भी 70-80 किलोमीटर चलना है मुझे। सो और मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल भी बाइक नहीं चल रही थी, इसलिए राइडिंग जैकेट उतार दी है। जो अंदर टी शर्ट पहनी हुई थी सिर्फ उसी में चला रहा हूँ अब। थोड़ा ये जो राइडिंग जैकेट उतारी है, ठंडी ठंडी हवा शरीर पर लग रही है, तो देखते हैं क्या बनता है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं जम्मू। ये जम्मू सिटी है। सोलो जो दिल्ली से लद्दाख की जो 2022 की ये सीरीज़ हो रही है, उसके अंदर आज का जो डे है वो फिनिश करेंगे हम उधमपुर में। सो अभी हम हैं जम्मू में, अब हम बढ़ रहे हैं जम्मू से टूवर्ड्स उधमपुर, जिसका डिस्टेंस है 68 किलोमीटर। आगे से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो आप पहुँच जाएँगे कटरा की तरफ। कटरा से वैष्णो देवी की जो चढ़ाई होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है कटरा से। सो ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे आप, कटरा वैष्णो देवी के लिए चले जाएंगे। सीधे जाना है आपको लेह, पटनी टॉप और उधमपुर के लिए, ये सीधा रास्ता है। यहाँ जम्मू मुझे लगा था कि पहाड़ों में होगा कुछ, मतलब ऐसा जैसे अपना शिमला होता है, मनाली होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब ज़्यादा हाइट पर नहीं है और दूसरी बात बहुत ज़्यादा रेड लाइट्स है जैसे अपने दिल्ली के अंदर है। ट्रैफिक बहुत है और उसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स लाइक मॉल्स वॉल्स सब कुछ बने हुए हैं यार यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 15 तो मेरे को चेक पोस्ट मिल गए हैं लखनपुर से जम्मू तक। अब हम जम्मू से आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स उधमपुर। उधमपुर में पहुँचने के बाद आज वहीं पर ही हमारा स्टे रहेगा। उधमपुर ये सीधा ही है, कटरा भी यहीं पड़ता है। अच्छा, 8 किलोमीटर बाद कटरा है, फिर वहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा वहीं से स्टार्ट होती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। ये कोई तो एक नदी पड़ी है, पता नहीं कौन सी है, पानी तो है पर बहुत कम है इसमें। ये देखिए, ये क्या बात है, क्या बात है यार, वाओ यार। ये वाली टनल के बारे में मुझे सीरियसली नहीं पता था, ये तो बहुत लंबी है यार, ये वाली तो इनफैक्ट लंबी है। वाह यार, पढ़ना चाहिए था मुझे यार, स्टडी करनी चाहिए थी इस वाली टनल के बारे में, पता ही नहीं था, ना किसी ने बताया ना किसी ने दिखाया। या हो सकता है अभी बनी होगी ये रिसेंटली। हॉर्न मत बजाओ ब्रो, टनल के अंदर हॉर्न नहीं बजाते। यार ये इतने सारे ट्रक क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? भी कुछ एंट्री का सीन होता है क्या? ये भी क्या लेह लद्दाख वाली साइड पे जा रहे हैं क्या कि यहाँ पे पहले एंट्री कराएंगे फिर उसके बाद जाएंगे? आई हैव नो आइडिया। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि ये इतने सारे ये कटरा के पास इतने सारे ये ट्रक क्यों खड़े हुए हैं और बहुत लंबी लाइन है यार अभी। मतलब 1 किलोमीटर है तो मैं देखता ही आ रहा हूँ। शिट यार, यहाँ पर तो बहुत तेज़ बारिश आ गई है यार। मेरा तो वाटरप्रूफिंग भी नहीं है, कोई होटल मिल जाए यार जल्दी से। चलो गाइस, बहुत तेज़ बारिश आ गई है, कैमरा मैं कर रहा हूँ बंद। आगे दिख तो रहा है कुछ पर दूर है वो। चलो गाइस, मिलता हूँ आपको होटल में। पहुँच गया हूँ मैं उधमपुर और यहाँ पे मैंने ले लिया है होटल रूम। ये बेड है और यहाँ पे बैठने का है, टीवी है और वाईफाई सब कुछ है, एंड वॉशरूम दिखाया था मैं एक बार, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। सो ये वाला रूम मैंने लिया है, बहुत महंगा है यार, 1400 रुपये का दिया है। इमेजिन 1400 रुपये का यार। यहाँ पे हो रहा है अपना डेटा कॉपी। चलो मिलते हैं गाइज आपको कल एक अनदर एपिसोड के साथ और एक अलग डेस्टिनेशन के साथ। सो होप करता हूँ आपको ये लद्दाख 2022 सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो आई विल सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ गाइज, बाय।